क्या नई मुसीबत है। पकड़े रखना। नेथन, वो हमारे नजदीक आ गए हैं। हाँ मुझे पता है। वेल, तो जल्दी भगाओ। भाई, मैं जितना हो सके उतना जल्दी ही भगा रहा हूँ। तुम आइलैंड की ओर बढ़ते रहो, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। वो लोग यहाँ आ चुके हैं। वो लोग छोटी बोट में हैं। और तेज भगाओ। समझ गया। सुन बे गधे, अपने बॉस को जाके बोलो कि खुद अपना ट्रेजर ढूंढे। मैं उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। बस तुम उन्हें उलझाए रखो। तुमने उसे भगा दिया। ओ, बड़ी बोट। हे भगवान, वो लोग बमबारी कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तुम बस आइलैंड की ओर बढ़ते रहो और उन्हें अपने सामने आने मत देना। भगवान, नेथन! हे, मैं ठीक हूं। सिट, इंजन चालू नहीं हो रहा है। क्या? मैं इसे ठीक कर सकता हूं, बस तुम मुझे कवर करो। हे भगवान, मैं कर सकता हूं। उन्हें मशीन से बाहर निकालो। ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन से बाहर निकालो। होली स्प्रेड, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे यार, और लोग आ रहे हैं। वर्शिप, सेम इंजन का क्या हाल है? बस अब ठीक होने ही वाला है। चलो निकलो यहां से। चालू हो जा। और ये चालू, ये चालू हो गया। हाँ, चलो यहां से जल्दी निकलो, सीधे आइलैंड की ओर आगे बढ़ो। नेथन, जरा संभल के आगे, बड़ी चट्टान है, मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से देख पा रहा हूँ। सिट भाई, उन्हें हमसे दूर भगाओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नेथन, जल्दी भगाओ। बस तुम संभल के रहना। तुम्हारी दाई तरफ, इसे देखो। नेथन, नेथन, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मैं तुम्हें एक ही बात बोल के थक चुकी हूँ। क्या तुम भी सेम बात सुन के थक नहीं जाते? अब से हर वीकेंड में तुम अपने दोस्तों को छोड़ के मेरे साथ रहोगे। मुझे परवाह नहीं है। हाँ, ये हर मुसीबत का जड़ है। हर बार मुझे ही क्यों सजा मिलती है? क्योंकि तुमने लड़ाई शुरू किया। वो मेरी किताब मुझे वापस नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि उन बुक्स को अपने रूम में ही रखने दो, इसमें तुम्हारा ही गलती है। उसे कोई हक नहीं था मेरे हाथों से छीनने का। क्या तुम्हें हक था उसे मुक्का मारने का? वो सिर्फ एक बुक के लिए नहीं था। तो
तो फिर क्या था? कुछ नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम नहीं समझोगे कि मैं क्या कोशिश कर रही हूँ। तुम अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे ही जा रहे हो। कितनी दुख की बात है। सैम, मैंने देख लिया। ऊपर चढ़ता हूँ। काफी फिसलन है। क्या उसके जैसे लड़कों की मदद करना हमारा काम नहीं है? हाँ है, लेकिन उसके वजह से मुझे दूसरे बच्चों को नेगलेक्ट करना पड़ रहा है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आपको मेरा फैसला पता है। वेल, मुझे अभी भी उस पर विश्वास है। आप इसे टाल नहीं सकते। देखो, मैं सुबह उसे बात करूँगा, ठीक है? गुड नाइट फादर। गुड नाइट सिस्टर क्वार्टरेट। लॉक है। वो ये मेरा फाइल है। मुझे इस खिड़की तक पहुंचना पड़ेगा। चलो सिस्टर, जल्दी से जाओ। सिस्टर कैथरीन, हे भगवान, मैं अपनी चाबी फिर से भूल गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए गेट खोल सकते हो? मैं आ रही हूँ फादर। जल्दी करो। लगभग पहुंच ही गया।
सैम। छोटे मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है। हे छोटे, तुम्हें देख के अच्छा लगा। ये क्या हुआ? तुमने फिर से? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुमने मुझसे बोला था कि तुम सब झगड़ों से दूर रहोगे। लेकिन वो हमारे बारे में गंदी बात कर रहा था। तो वो बोल रहा था तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ डाल दिया क्योंकि तुम बेकार हो और तुम्हारी माँ नर्क में है। क्योंकि वो तुम्हें केवल इसीलिए बोल रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। कुछ समझे? तुम नहीं करोगे? ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो आगे? अगर नन ने हमें देख लिया तो वो सीधा पुलिस को कॉल कर देगी। ठीक है, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। सच में? हाँ, वो बाहर है। बाहर जाने से कोई मुसीबत हुई तो? खैर छोड़ो ये सब बातों को, चलो। हे, क्या जंप लगाया? यहाँ मेरा हाथ पकड़ो। कितने हल्के हो सिस्टर, अच्छे से खिलाती नहीं है क्या? ये जगह तो पूरी खाली है, कहाँ गए सब लोग? कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मुझे अपने बीते दिनों की बात याद दिला दी। वैसे फादर डफी कैसे लगे? वो यहाँ के सबसे बेहतरीन इंसान है, तुम्हें एक बार जरूर उनसे मिलना चाहिए। नहीं, मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। इस तरफ भैया, हमें वहां जाना है। बहुत आसान था,